दो मटेरियल है हमारे पास, ये है मटेरियल ए, ये है मटेरियल बी। मटेरियल ए का वर्क फंक्शन है 4.2 ईवी, इसका है 1.9 ईवी। दो मटेरियल है, दो फंक्शन है 4.2 ईवी 1.9 ईवी। 3500 ऑंस्ट्रॉम की लाइट को इंसिडेंट कर रहा हूं दोनों पे। कौन सा मटेरियल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फेनोमेना शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा, दोनों करेंगे कि दोनों ही नहीं करेंगे। जल्दी है, थोड़ी स्पीड फास्ट रखना, जितनी तुम्हारी स्पीड फास्ट होगी उतने नंबर ऑफ मेडिकल ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी क्लास। मटेरियल ए मटेरियल बी 4.2 ईवी 1.9 ईवी 3500 ऑंस्ट्रॉम की लाइट है। बिल्कुल, पहले जो तुम्हारी 3500 ऑंस्ट्रॉम की एनर्जी नहीं, इनको मैं जूल में कन्वर्ट करो, इस एनर्जी को ईवी में कन्वर्ट कर लो, इनको जूल में कन्वर्ट करोगे फिर इसके साथ जूल में कंपैरिजन करोगे, बेस्ट ये जो एनर्जी आएगी इसको ईवी में कन्वर्ट कर लेना और कंपेयर कर लो, ये एनर्जी निकल जाएगी अच्छी वाले लैम्डा, वो एनर्जी जूल में आएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना क्या करोगे, 1.6 10^-19 से डिवाइड कर दोगे, वो एनर्जी तुम्हारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। वो एनर्जी अगर इससे ज्यादा है तो ये कैरी करेगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को, इससे ज्यादा है तो ये भी करेगा। निकालो है, दोनों करेंगे, चेक करो एक बार, निकालो आंसर, नहीं दोनों नहीं करेंगे। अरे कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस है, बस फॉर्मूला लगाओ। भाई इनके वर्क फंक्शन दे रखे हैं, ये वर्क फंक्शन का मतलब कम से कम इतनी, इस मेटल के लिए अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है कम से कम इंसिडेंट लाइट की एनर्जी इतनी होनी चाहिए, इस मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है कम से कम इंसिडेंट लाइट की एनर्जी इतनी होनी चाहिए। E equal to hc by lambda, ठीक है। ये हो गया, ये किसमें एनर्जी है, जूल में, इक्वल टू एक्स बाय लैम्डा। हमें एनर्जी किसमें चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बोल, बस सॉल्व कर लो इसको, कैलकुलेशन में इतना टाइम क्यों लगाते हो, तुम्हारी कैलकुलेशन पर नहीं इंप्रूव होगा। अप्रॉक्स में चाहिए, 5 सेकंड में आंसर चाहिए। 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। क्या ये करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। वर्क फंक्शन इसका 4.2 ईवी है, कम से कम एनर्जी 4.2 होनी चाहिए, इंसिडेंट लाइट की इतनी है 3.5 ईवी। ये मटेरियल फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन शो नहीं करेगा, ये मटेरियल फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन शो करेगा। हाँ, इसी ट्रिक्सियोरी का प्रॉब्लम आ रहा था, नहीं 3.5 आएगा। सॉल्व कर लो ना इसको, यहाँ से सॉल्व कर लो, इधर देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। अपनी कॉपी जाके जल्दी करो, थोड़ा कैलकुलेशन में मत उलझा करो, कैलकुलेशन में मत अटका करो। Thank you.
आ गया पक्का, बड़े आ गए, ठीक है। लिखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस हुज वर्क फंक्शन इज 1.9 eV। लैम्डा 500 नैनोमीटर है, वर्क फंक्शन 5 नॉट 1.9 eV है, ठीक है। आप जूल को भूल जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेशन करेंगे, सारे लैम्डा इज 500 नैनोमीटर, 5 नॉट 1.9 ईवी, ठीक है। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलिए अभी पहले फॉर्मूला बेस कर लो, 3-4 क्वेश्चन पता चल जाए चीजें कैसे लगानी है, फिर करेंगे अच्छे क्वेश्चन। यस क्लास, अब बिल्कुल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली चलना। हाँ जी, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, ठीक है। एनर्जी निकाल लोगे, वर्क फंक्शन ईवी में है। इधर देखो क्लास, सबसे पहले वेवलेंथ है, एनर्जी निकालोगे किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये इंसिडेंट लाइट की एनर्जी, उसका इतना हिस्सा वर्क फंक्शन में यूटिलाइज हो गया, डिफरेंस दोनों का काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। निकालो, करो जल्दी, थोड़े हाथ जल्दी चलाओ अपने कैलकुलेशन पे। बस ये चीज चाहिए, ये स्पीड चाहिए कि क्वेश्चन दो और आंसर आ जाए, इतने भी खुश मत हो, फॉर्मूला पे Thank you.
ठीक है। अब इधर देखो यस काइनेटिक एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल मेरी सोर्स की 2.53, 1.9 वर्क फंक्शन में यूटिलाइज होगी, बाकी बची 0.6। क्लास इधर देखो, कल हमने लास्ट में जब डी ब्रूली वाला फॉर्मूला किया था, मैंने कल तुम्हें बताया था काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो ढाल वाला कांसेप्ट कल जो हमने किया था। जितना इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ तेजी से दौड़ के आ रहा है उतना मुझे ढाल ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ढाल का मतलब क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो कल जो लेक्चर हमारा एंड हुआ था वहां पे ये कांसेप्ट था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ दौड़ के आ रहा है काइनेटिक एनर्जी से, उतनी मुझे अपनी ढाल स्ट्रॉन्ग चाहिए, मतलब मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा था, क्या आया था? कांस्टेंट E, EV नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा लिख हुआ था EV नॉट से। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? 0.6 EV. 0.6 EV equal to EV naught. E से E cancel. V naught equal to 0.6 volt. ठीक है? बस ठीक है, stop and करो ना। ये भी बहुत बेसिक चीजें चल रही हैं, इनको बस पकड़ते रहो। अच्छे क्वेश्चन में ये चीजें लग रही हैं, ये रिपीट हो गई। वही आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, टोटल एनर्जी दो पार्ट में टूटेगी, वर्क फंक्शन काइनेटिक एनर्जी। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्टेन मेटल इज म्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट दे रखी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन मेटल इज म्यू नॉट। व्हेन अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 म्यू नॉट इज इंसिडेंट ऑन इट, व्हेन अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट इज इंसिडेंट ऑन इट, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज 4×10⁶ मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज 4×10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड टू 5 न्यू नॉट, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड टू 5 न्यू नॉट, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन। एक ये कैटेगरी और एक जो हम इससे अगली कैटेगरी करेंगे, ये दोनों कैटेगरी कॉम्पिटिशन में रिपीट होता है। ये कैटेगरी लिखो भाई, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इमीडिएट फोटो इलेक्ट्रॉन। ट्वाइस ऑफ दिस वेलोसिटी यानी 8.6। ट्वाइस देखो, यस क्लास देखो बोर्ड पे। हां जी, ये एक मेटल सरफेस है हमारा, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट है। पहले मैं इस पे लाइट जो डाल रहा हूं, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 2 μ0, 2 μ0। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है? 4×10⁸ मीटर पर सेकंड। अब 4×10⁶ मीटर पर सेकंड। अगर मैं इंसिडेंट सोर्स की फ्रीक्वेंसी को कितना कर दूं, 5 μ0 कर दूं, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी वेलोसिटी कितनी, ये क्वेश्चन। इसका वर्क फंक्शन द्वारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट है, 2 μ0 पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 4×10⁶ मीटर पर सेकंड से, 5 μ0 पे कितनी वेलोसिटी निकलेगा। अब देखो इक्वेशन कौन सी लगानी है, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, सिंपल आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, h इक्वल टू 5 0 + 1/2 mv², बट यहां पे हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हमें क्वेश्चन में वर्क फंक्शन के बारे में कुछ कहा गया नहीं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में कहा गया, तो 5 0 को क्या लिख सकते हैं, h μ0, को लिख देंगे h μ0। सबसे फर्स्ट कंडीशन लगाता हूं, फर्स्ट कंडीशन में फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 μ0, तो यहां पे μ0 की जगह अगर मैं 2 μ0 डाल दूं, 2 μ0 डाल दूं, तो यहां से
एच और न्यू नॉट कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 2 माइनस 1 इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे क्या डालूंगा, 5 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट 4। तो यहाँ से एच न्यू नॉट तुम्हारा हो जाएगा 5 माइनस 1 इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दो, ये कैंसल, ये रेशो मुझे पता है 1/4। हाफ एम से हाफ एम कैंसल, ये भी तुम्हारा पता है रूट आ जाएगा 4 का, तुम्हारा कितना बचेगा v2 इक्वल टू 2 v। वेलोसिटी सिर्फ क्वेश्चन जो तुम्हारा बनना है आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से ही बनना है, h nu इक्वल टू 5 नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब उसी इक्वेशन को घुमाना फिर पूरी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, एक ये कैटेगरी, इसमें हमने क्या वेरी किया था, फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट कैटेगरी है जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल को वेरी करते हैं, वो भी बताता हूं। करो पहले इसको ओके। समझ आया क्या किया? देखो ये दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन h nu माइनस nu नॉट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हमने क्या पढ़ा था ना। और भाई ये इक्वेशन बनी थी कल हमारी, h nu माइनस nu नॉट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। न्यू तुम्हारी सोर्स फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट तुम्हारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। यहां पे पहले 2 न्यू नॉट है, फिर इसको मैंने 5 न्यू नॉट कर दिया, ये वेलोसिटी पता है, सेकंड वेलोसिटी निकाल ली, सिंपल। देखो कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, क्लियर? Do next question. लिखो. Next है. When a light of wavelength 400 nanometer, when a light of wavelength 400 nanometer is incident on a metal plate, when a light of wavelength 400 nanometer is incident on a metal plate, is incident on a metal plate, the stopping potential is recorded as 6 volt. The stopping potential is recorded as 6 volts. If the wavelength of the incident light, if the wavelength of the incident light is increased to 600 nanometer, if the wavelength of the incident light is increased to 600 nanometer, calculate the stopping potential. इधर देखो बोर्ड पे, पहले तो अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, इधर देखो, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है मुझे देख के टिक करना है, आंसर जो मेरा आएगा 6 से बड़ा होगा कि 6 से छोटा होगा, 6 से बड़ा होगा, नहीं छोटा होगा, सोचो छोटा होगा। इधर देखो ना भाई, 400 नैनोमीटर के साथ कुछ एनर्जी लिंक होगी इक्वल टू एक्सी बाय लैम्डा, उस अकॉर्डिंगली मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल 6 वोल्ट है। अब मैंने अपनी वेवलेंथ को बढ़ा दिया, वेवलेंथ को बढ़ाने का मतलब एनर्जी कम होगी, इधर से इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी से आ रहा है तो मुझे ढाल भी कम देनी पड़ेगी, तो जो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो 6 से कम आएगा। निकालो अब वो कितना होगा, इंसिडेंट लाइट की अगर वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 6 वोल्ट है, 600 नैनोमीटर पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना? यही क्वेश्चन है जो इस साल आया था सीबीएसई में, यही क्वेश्चन है सेम टू सेम जो सीबीएसई में इस साल आया।
कितना आ रहा है? हाँ पॉइंट में आ रही है, फिर क्या वोल्टेज ये पॉइंट में आ रही कोई दिक्कत? 0.6 0.7 0.7 नहीं मैं कौन से 2.6 नहीं कैसे कर रहे हो हाफ एम बी स्क्वायर ठीक है बी बाय 400 इसमें पहले वर्क फंक्शन निकालना पड़ेगा कोई शॉर्टकट नहीं है इस क्वेश्चन का पहले वर्क फंक्शन निकलेगा कि मटेरियल का बिहेवियर कैसा है फिर होगा ये क्वेश्चन कैलकुलेशन लेंदी जाएगी अगर लैम्डा नॉट करके जाओगे हाँ जी इधर देखो बोर्ड पे क्लास ये देखो यस देखो हाउ वी कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन देखो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है एच न्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस अब यहाँ पे इधर सबसे पहले ना क्वेश्चन की डिमांड देखा करो क्वेश्चन में वेवलेंथ की बात हो रही है और स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात हो रही है तो मुझे भी अपनी इस इक्वेशन में वेवलेंथ को घुसाना पड़ेगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल को घुसाना पड़ेगा वेवलेंथ को घुसाने के लिए क्या करना पड़ेगा hc by lambda कर दिया phi not कर दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल को कैसे घुसाऊं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो जो मेरी इक्वेशन रिलेट होगी इस क्वेश्चन के साथ दैट विल बी इसको मैं इधर लाके लिख रहा हूं दोबारा इधर देखो बोर्ड पे hc by lambda equal to phi naught plus ev naught ठीक है जी बोर्ड पे ऑन द बोर्ड हमें क्वेश्चन में कह रहा है जब वेवलेंथ तुम्हारी 400 नैनोमीटर की है इधर देखो बोर्ड पे जब ये तुम्हारा 400 नैनोमीटर है लैम्डा पता है आपको hc पता है v naught आपका पता है ये 6 है phi naught निकल जाएगा यहां से phi naught निकल गया अब इस इक्वेशन को मैं दोबारा लगाऊंगा मुझे लैम्डा पता 600 कर दिया मैंने ये पूरी टर्म पता है phi naught पता है e से डिवाइड होके v naught मिल गया ओके करो भाई सबसे पहले ये देखा करो इक्वेशन किस टर्म्स में और तुम्हें क्या क्या गिवन है और कैलकुलेशन बिल्कुल रिड्यूस्ड फॉर्म में लेके आना कितना आ रहा है फाइनॉट वर्क फंक्शन कितना आ रहा है 5.6 नहीं 4.6 आ रहा नहीं ये जूल में है मेरे पास जूल में है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है मेरा निकालो एक बार निकालो फाइनल बताओ वी नॉट कितना आ रहा है माइनस 4.6 आएगा जूल में इंसिडेंट एनर्जी कम आ रही है हमारे स्टॉप हमारे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे होंगे हमारे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात हो रही है तो जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं निकल रहे थे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल
स्टॉपिंग पोटेंशियल तो ये है ना, बैटरी जिसका मैंने पैरामीटर वेरी करना है, जिसका मैंने पोटेंशियल वेरी करना है, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन का निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब नेगेटिव भी हो सकता है साइन क्या? -4.8 आ गया, 4.65 आएगा, ठीक है, -19 आएगा जूल में, ठीक है। मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो रहा, सिंपल, ये तुम्हारा 4.6 आ रहा है तुम्हारा इंसिडेंट लाइट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये तुम्हारा वो कोई भाई देखो इसको इस तरीके से मत लिंक करना, फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो रहा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे हो सकता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या मतलब है? जो पोटेंशियल तुम वेरी कर रहे हो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, वो तो तुम्हारे हाथों में है, कोई बात नहीं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ना हो रहा हो। नहीं, 5 वोल्ट आएगा पूरा, 4.9 आएगा 5 वोल्ट पूरा, है? 5 वोल्ट आएगा पूरा स्टॉपिंग पोटेंशियल, 4.9 कहाँ दिक्कत आ रही है? हो गया? करें अगला क्वेश्चन? वो कैलकुलेशन ही रहेगी। मैं बोर्ड पे कराऊंगी क्वेश्चन को, देखो बोर्ड पे, यस, हाँ देख लो एक बार, कुछ नहीं होता, देखो ये मेरी इक्वेशन है, HC by lambda equal to phi naught plus EV naught, फर्स्ट कंडीशन लगाओ, HC की वैल्यू कैलकुलेट ही कर लो, HC by E की वैल्यू होती है 12.5 into 10 के पावर माइनस 9, HC by E की 12.5 into 10 के पावर माइनस 9, ठीक है, लैम्डा मेरा कितना है 400 into 10 के पावर माइनस 9, ये खत्म हो गया, ठीक है, HC by E की वैल्यू, हाँ HC by E मतलब ये HC by lambda है ना, एक E भी आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 into 10 to power minus 19, ठीक है, तो वो पूरी वैल्यू इसने मुझे बता दी 12.5 into 10 to power minus 9 होती है, मैंने lambda से डिवाइड कर दिया, ये मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक है, equal to phi naught हमने निकालना है plus EV naught, E into V naught, V naught मेरा कितना है 6, तो इसको मैं 6E लिख सकता हूँ, ठीक है, अब मुझे phi naught निकालना है, यहाँ से phi naught कितना आ जाएगा, this minus 6e, तो ये कितना है 12.5 upon 400 minus 6 into e, नहीं कुछ गड़बड़ है, e क्यों आएगा था, वो e से तुमने डिवाइड ही कर दिया, अच्छा वो पूरा e तूने कॉमन लिया था, e देखो मुझे hc की वैल्यू बताओ कितनी है, h into c ये है किसमें हमारा जूल में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, इधर देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, E को मैं नीचे 1.E लिखा रहने देता हूं, ठीक है, इक्वल टू phi naught प्लस ये तुम्हारा बन जाएगा EV naught E into 6, अब यहां से phi naught निकाल लो, तुम्हारा phi naught आ गया, यहां से phi naught की ये वैल्यू दोबारा इसी इक्वेशन में पुट करोगे, लैम्डा को 600 करके V naught निकाल लोगे, सर वो
अरे कैलकुलेशन ही है। किसी का एग्जैक्ट आंसर आया? 4.7 आ रहा है, 4.1। लिखो अगला क्वेश्चन। Calculate the de Broglie wavelength of an electron beam associated through a potential difference of 60 volts. Calculate the de Broglie wavelength of an electron beam accelerated through a potential difference of 60 volts. सिंपल वन लाइन फॉर्मूला कौन सा? 12.27 अपॉन रूट 60 वोल्ट। 60